वेलकम टू माय चैनल एस के नॉलेज क्लास। आज का क्वेश्चन है, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऑप्शन है ए में 9:16, बी में 16:9, सी में 3:4, डी में 4:3। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के हल कर लीजिए। चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ कह रहा है समान ऊंचाई वाले दो बेलन, यानी कि दो को जो बेलन है दोनों का ऊंचाई समान है, यानी कि इसका भी एच और दोनों का, ठीक ना, दोनों का एच बराबर है। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन दो बेलन है तो इसमें आर वन मान देंगे, ठीक है ना, पाई आर वन स्क्वायर एच। फिर दूसरा पाई आर टू स्क्वायर एच, ठीक ना, एच एच इसीलिए है कि दोनों के एच समान है। सवाल में ही कह रहा है समान ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई दोनों समान है। दिया कितना है हमको, 9:16, यानी कि 9/16। अब देखिए पाई पाई कट गया, एच एच कट गया, क्या बचा आर वन का स्क्वायर बटे आर टू का स्क्वायर, कितना बचा 9/16। ठीक, अब हम आर वन बराबर निकालेंगे तो 9 इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, बटे आर टू बराबर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा 16 पे, यानी कि निकल गया आर वन बटे आर टू बराबर 9 का 3 निकल जाएगा वर्गमूल, 16 का 4। अब हमको सवाल में कह रहा है कि उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो अब बेलन का वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2πRh, ठीक ना, तो इसमें हम आर वन लगा देंगे बटे 2πR2h लगा दिए। अब 2π कट गया, एच तो कर है समान है, एच एच भी कट गया, क्या बचा आर वन बटे आर टू, तो आर वन कितना है 3, आर टू कितना है 4, यानी कि 3:4 मेरा आंसर हो गया। ठीक ना, इस तरीका से आपको बनाना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा के ऑन कर दे।